गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक मूल अवस्थाएं। तो यहां पर D1 से लेकर के D9 कॉन्फ़िगरेशन तक मैं आप लोगों को जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट निकालने का जो भी टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर एक कॉलम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ सकते हैं। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी का जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह है वहां पर आपको चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट किस तरीके से निकालते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो चीज आप लोग जरूर चेक कर लेना। हालांकि यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी ट्रिक है इसे निकालने का, जो भी मेथड है वो पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है, सारे वीडियोस आप लोगों को चैनल में मिल जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, तो आप चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसके 5 पार्ट्स होते हैं, अगर आप लोगों ने LS कपलिंग देखा हुआ है तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि सेम LS कपलिंग के ही समान है ये। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले D1 के लिए देखेंगे, तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में 5 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका जो भी वैल्यू रहता है हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 0 जो बीच में होता है उसको हम 0 से स्टार्ट करते हैं, देन लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग +1, +2 लिखेंगे, राइट साइड की तरफ हम लोग -1, -2 लिखेंगे। ये आपको क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे देखते हैं D1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आकर के फिल हो जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में ये एक इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पर भर जाते हैं। खास करके अगर हम लोग यहाँ पर D1 के लिए बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल के इस वाले पार्ट में आकर के फिल हो जाते हैं। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब सबसे पहले हम लोग L का वैल्यू निकालेंगे। L आपको पता है ना क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तो L का वैल्यू जो है वो टू आएगा। तो इसका वैल्यू 2 क्यों आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से पार्ट वाले में भरा हुआ है, +2, तो यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर L का वैल्यू जो है वो 2 आएगा। अब देखिए, अगर L का वैल्यू 2 आया है तो अगर हम SPDF वाला देखते हैं, SPDF, तो 2 यहाँ पर कहाँ पे है, D के जगह पे है ना, तो 2 के लिए हम लोग D का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 1 आता तो हम लोग P यूज करते हैं, अगर यहाँ पे 0 आता तो S यूज करते हैं, अगर यहाँ पे 3 आता तो हम लोग F यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा D। तो इस तरीके से हम लोग D को लिख देंगे। आगे मैं आप लोगों को इसका पूरा यूज बताऊंगी कैसे आप लोगों को इसका टर्म सिंबल बनाना है। तो L का वैल्यू मिल गया आपको 2, और L का वैल्यू 2 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये D हुआ। अब हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, जिसे स्पिन बहुकता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताई थी, 2s+1, तो चलिए देखते हैं 2 × s। अब s का मतलब क्या होता है, s कौन सा क्वांटम नंबर कहलाता है, आपका स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का चक्रण देखते हैं, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या है, आप क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए +1/2 लिखते हैं, मतलब +1/2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे हम लोग +1/2 लिखेंगे, तो ये 2 × 1/2 + 1, तो ये 2 कट गया, 1 + 1 इक्वल कितना आया, 2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का आंसर कितना आया है, 2। अब हम लोग D1 के लिए देखते हैं ये क्या हो जाता है आपका 2D, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आया है और यहाँ पे ये D आया है, तो हम लोग इस तरीके से D और यहाँ पे 2 लिख देते हैं D1 के लिए। अब चलिए J का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। J इक्वल आपको पता है क्या होता है, L-1। तो यहाँ पे देखें, L का वैल्यू कितना आया हुआ है आपका, 2 आया हुआ है, और S का वैल्यू कितना है आपका, S की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, -S है, तो यहाँ पे 1/2 है S का, क्योंकि वहां पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। 2 − 1/2 इक्वल क्या होता है, 3/2। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन इज 2D 3/2। 2 कहां से आया, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया, 2 आया है। D क्यों आया, क्योंकि आपको पता है L क्वांटम नंबर 2 है, L का वैल्यू 2 आया है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे D है, तो ये D हुआ। और 3/2 किस लिए आया है, J का वैल्यू इज 3/2, तो ये आपका आ गया स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉलम में इसका वैल्यू इतना ही है, 2D 3/2। तो देखिए
हालांकि थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा हार्ड, बट उतना नहीं है। अगर आप इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते जाओगे, आगे मैं आप लोगों को और भी बता रही हूँ, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होते जाएगा। समझ आए आप लोगों को? अब चलिए डी टू के लिए हम लोग देखते हैं। तो डी टू के लिए देखिए, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन दो पार्ट में आकर के फिल हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे जब तक ये ऑर्बिटल खाली है, जब तक इसमें पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएगा, तब तक इसमें डबल इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। पहले पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल होगा, यहां तक पूरा एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद यहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहां पे अगर डी टू है, अगर यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर दोनों पार्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्लियर हुआ आपको? मतलब प्लस टू और प्लस वन में दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब एल का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? जो भी आता है उसको, लास्ट टाइम प्लस टू में था तो टू लिख दिए थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत यह है कि अब तो दोनों पार्ट में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? दोनों को ऐड कर देंगे, तो टू और वन कितना हुआ? थ्री। तो तीन के लिए क्या आता है? एसपीडीएफ। तीन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, क्या बताई थी मैं? एफ लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, टू एस प्लस वन, टू इंटू एस। तो यहां पे देखिए दो है, तो दोनों क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा? प्लस वन प्लस प्लस हाफ प्लस हाफ, मतलब वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू। तो वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू कितना होता है? दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? वन प्लस वन। तो टू इंटू वन प्लस वन इक्वल कितना आया? थ्री। समझ आ रहा है आप लोगों को ना? टू एस प्लस वन है, तो टू इंटू एस, एस का वैल्यू कितना आया? वन आया, क्योंकि हाफ हाफ को हम लोग एड करेंगे तो वन आएगा आंसर, प्लस वन। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? थ्री आएगा। अब D2 के लिए क्या आ गया? 3F आ गया, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया? 3 आया, और ये F है, तो 3F लिख दोगे। अब J इक्वल क्या हुआ? L माइनस S। तो L का वैल्यू कितना है? 3 है। S का वैल्यू कितना आया था हमारा? हाफ हाफ को जोड़ेंगे तो 1 आया था, तो 1, 3 माइनस टू इक्वल टू, 3 माइनस वन इक्वल कितना हुआ? 2। तीन में घटा दोगे तो 2 आएगा। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट का जो टर्म सिंबल होता है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? 3F तो आप जान गए। अब यहाँ पे J का वैल्यू 2 आया, उसको नीचे में लिख दो, 3F2। देखो यहाँ पे 3F2 आ गया आपका। तो ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को L का वैल्यू निकालना है। L का वैल्यू निकाल लोगे, फिर SPDF वाला देख लेना, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेना, फिर L माइनस S निकाल लेना, तो आपका टर्म सिंबल बन जाएगा। अब चलिए और भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे जैसे आप इसे समझते जाओगे, बहुत ही ईजी होते जाएगा, प्रैक्टिस आपको करना होगा। अब चलो D3 के लिए देखते हैं। तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस तीनों पार्ट में, प्लस टू प्लस वन जीरो। तो इसे आप लोग पूरा ऐड कर दो, प्लस टू प्लस वन जीरो कितना हुआ? थ्री। L का वैल्यू कितना आया? थ्री आया। तो L का वैल्यू थ्री आया, तो SPDF के कितना आएगा? F आएगा, क्योंकि थ्री के लिए F आता है, आपको पता है। अब इसका हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, टू एस प्लस वन, टू इंटू एस। एस का वैल्यू कितना आया है? यहाँ पे देखिए सब क्लॉकवाइज में है, तो 1/2, 1/2, 1/2, तीनों को जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3/2, 2 इंटू 3/2 प्लस 1। सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा? यहाँ पे 2 2 कट जाएगा, 3 प्लस 1 इक्वल 4। तो अब हम लोग L माइनस 1 निकाल लेते हैं, J का वैल्यू। L का वैल्यू कितना है? 3। S का वैल्यू कितना आया था हमारा? पूरा सॉल्व किए थे, ये देखो S का वैल्यू 3/2 आया था, 3/2 कर दो। अब दोनों इसको सॉल्व करोगे, 3 माइनस 3/2 कितना आता है? 3/2। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कितना आया? 4F3/2, मतलब F तो ये F है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आया था? 4 आया था, तो ऊपर में 4 लिख दोगे, और J कितना आया था? 3/2, तो 3/2। आप लोग चेक कर सकते हो इसको, D3 का कितना आया आपका? 4F3/2। अब चलिए D4 के लिए देखते हैं। D4 के लिए क्या हो जाएगा? चारों इलेक्ट्रॉन इस चारों पार्ट में आकर के फिल हो जाएंगे। तो L का वैल्यू अब कैसे निकालोगे आप लोग? सबको जोड़ दो, तो देख लीजिए आप, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3। 3 में 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो L का वैल्यू कितना आया? 2। तो 2 के लिए कितना होगा? SPD D आएगा, 2 के लिए D आया, तो यहाँ पे D लिख दोगे। अब मल्टीप्लिसिटी निकालो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2S+1, 2 इंटू एस। अब S के लिए क्या है? 4 है, तो 4 बार 1/2 को आप ऐड करोगे, तो चारों का आंसर कितना आएगा? 2। आप इस सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल 5। तो L माइनस 1 कितना हुआ? L का वैल्यू कितना आया था अपना? 2। और S का वैल्यू कितना है? 2, क्योंकि हम लोग देखो सबको जोड़े हैं, तो 2 आया।
तो 2 - 2 इक्वल कितना हुआ 0। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कितना निकला D0, क्योंकि यहाँ पे 0 आया है D0, और ये 5 बिकॉज स्पिन मल्टीप्लिसिटी 5 आया, तो 5D0। समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो यहाँ पर, अब देखो मैं 5 का नहीं बताऊंगी, ये आप लोग को निकालना है, ये आप लोग का वर्क है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके निकालो। इतना आंसर आना चाहिए, 6s 5/2 आना चाहिए। मैं डायरेक्ट ना यहाँ पे D6 का बता रही हूँ, क्लियर हुआ आपको? तो D6 का 5D4 आंसर आना चाहिए। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं D6 का। तो D6 का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा 5 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल हो गया। अब छठवा इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे आ गया है, तो इस टाइप का अगर दो एक ही पार्ट में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसका आप लोग कैसे निकालोगे वो मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगी, ताकि अगर अगर D7 D8 D9 के लिए आपको प्रैक्टिस करना हो तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो L का वैल्यू 2 आएगा, सबको जोड़ दो आप लोग, जितना है उसका पूरा, जितना है उसको पूरा आप लोगों को जोड़ना है। बट ध्यान रखना कि यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये +2 जो है वो 2 बार आएगा, मतलब +2 + 2 कितना हुआ 4, देन 5 में 1 गया 4 में फिर से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो L इक्वल कितना आया 2, तो 2 के लिए कितना आता है D, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो 2s + 1। तो यहां पे देखो +2 और -2, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, तो +2 और -2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 + 1/2 1/2 1/2, इसका आंसर आता है 2। तो 2 × 2 + 1 = 5, L प्लस एस तो 2 + 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग एल प्लस एस करेंगे, देखिए एल जे का वैल्यू एल माइनस एस भी करते हैं और एल प्लस एस भी करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एल प्लस एस करेंगे। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 2 है और एस का वैल्यू भी यहाँ पे 2 आया, देखिए तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। तो टर्म सिंबल कितना आया 5D4, देखो आया है 5D4। तो बहुत ही इजी है गाइस, सेम इसी तरीके से आपको निकालना है, चारों जितना भी बताई हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी पूरा आपका निकल जाएगा। अगर आप लोगों को एग्जाम में कुछ भी पूछते हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन का पूछते हैं, अगर पी विन्यास के लिए पूछते हैं तो पी विन्यास का भी निकल जाएगा, बहुत इजी है। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया कि नहीं आप कमेंट करके जरूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।